हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हम लोग वीएमवेयर, ईवाई एंड जोहो, काफी लेटेस्ट कंपनी आप लोग के लिए पर देखने को मिल रही होगी। फ्रेंड, यहाँ पर जो आप लोग के लिए हायरिंग कर रही है, आप लोग किसी भी साइंस ग्रेजुएट से हो, इंजीनियर ग्रेजुएट से हो, फाइनल ईयर में हो, पास आउट हो चुके हो, तो आप लोग जो है इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। डिस्कस करेंगे आप लोग कैसे अप्लाई करना है, क्या है प्रोसेस, और ये कंपनी जो है फ्रेंड इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है रिसेशन का। तो आप लोग जो है न्यू कंपनी हायरिंग ड्यूरिंग रिसेशन, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हायरिंग करने के बाद, जॉब लगने के बाद कंपनी आपको निकाल देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो कि रिक्रूटमेंट काफी कम करने वाली है एक्सपर देयर रिक्वायरमेंट। अगर आप लोग का रिज्यूमे आप लोग अपडेट करते हो, अगर आपका स्किल मैच करता है उनके रिक्वायरमेंट से, तो आपको फर्दर मेल जरूर सेंड करेगी। बट मेक श्योर आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखना, इसी तरह की छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप लोग बहुत सारी कंपनी अप्लाई करते हो, रिस्पॉन्स नहीं आता होगा, बट ये वीडियो देखना एंड तक। मैं आपको हर एक वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोग क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होगा। चलिए फिर वीडियो में आगे बात करते हैं। तीनों का लिंक अवेलेबल है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो फिर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हो जो है यहाँ पर हायरिंग कर रही है वेब डेवलपर रोल के लिए। ओके, इसके लिए आप लोग फाइनल ईयर से आप लोग हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी आप लोग देख लेना, फिर आपका तमिलनाडु लोकेशन होने वाला है। बाकी आप लोग यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन किया गया, प्लीज नोट दैट वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर दिस रोल इन चेन्नई, सैलम, कैमिटर, तिरुवनंतपुरम एंड मदुराई। इंटरेस्टेड आप लोग अप्लाई करने के लिए तो सिंपली आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इनका ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं जो हो। ओके, यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड करना है या फिर आप लोग सिंपली आप लोग जो है आप लोग साइन इन भी कर सकते हो अगर आपके ऑलरेडी अकाउंट है तो, नहीं है तो फिर आपको सिंपली फॉर्म को फिलअप करना होगा, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को मेंशन कर देना होगा, आपका जो भी ईयर सब ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हो, डेट वगैरह, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डाल देना फ्रेशर्स। ठीक है, फ्रेशर्स डालना है अगर आप लोग 2022 2023 से हो तो, अगर 2022 हो तो आपको यहाँ डालना है 0 to 1। ओके, डाल देना है आपको, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल देना, बाकी आपको इस फॉर्म को फिलअप करना। ठीक है, या फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। सेकेंड, आप बात करते हैं जॉब हायरिंग को लेकर जो कि आप देखने को आ रही है ई वाई, काफी दिनों के बाद यहाँ पर हायरिंग कर रही है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंजीनियर के लिए, काफी जो रिक्वायरमेंट फिनिश के लिए आप लोग जो है 0 to 4 एक्सपीरियंस एलिजिबल टू अप्लाई, ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करना, काफी जो रिक्वायरमेंट फैन और लोकेशन का होने वाला कोची का, लेकिन ई वाई ज्यादातर हायरिंग जो करती है कोची लोकेशन के लिए करती है, तो आप लोग इसमें अप्लाई जो है जरूर करना। ठीक है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। सैलरी आपका मोर देन 5 LPA आपको देखने को मिल जाता है, और ये आपका कंसल्टेंट कंपनी आप लोगों से काफी लोगों को पता होगा, तो बिल्कुल मिस मत करना, अप्लाई जरूर करना। लास्ट बात करते हैं, इसमें भी अप्लाई करना काफी नहीं, फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना, फिर आपको जो है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन को चूज करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर आपको इसके लिए अप्लाई कर देना होगा। लास्ट बात करते हैं वीएमवेयर भी काफी दिनों के बाद हायरिंग कर रही है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर भी। आप लोग जो है बता दो फिर बीएस बीएड डिग्री और रिक्वायरमेंट टेक्निकल एक्सपीरियंस के हो तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करना, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। वीएमवेयर भी काफी दिनों के बाद आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट कर रही है, और टेक्निकल सपोर्ट का होने वाला है, और इंटरलेवल जॉब होने वाला जॉब पब्लिश किया गया, फिर देख सकते हो 21st आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, तो आई थिंक अक्टूबर है, आप देख लेना अपने हिसाब से, अक्टूबर तो भी आया नहीं है, मतलब सितंबर होगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, और हर एक कंपनी में अप्लाई करने से पहले मेक श्योर आप लोग रेज्यूमे को जरूर अपडेट करना, तभी आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो पाएगा, अदरवाइज अप्लाई करके आप लोग कोई अपडेट देखने को नहीं आएगा। तो आप लोग जो अप्लाई जरूर करना, तीनों का लिंक अवेलेबल है, और मैंने कल भी अपने के लिए वीडियो बनाया था जॉब वैकेंसी के ऊपर में, अगर उसको भी नहीं अप्लाई करा तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।